हाय गाइस, इट्स मी सलोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल सलोनी द फैशन गर्ल। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए जो आज हॉल लेके आई हूँ, आप सोच भी नहीं सकते, सारी बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ीज हैं। आज की जो मेरी हॉल है वो मीसो हॉल होने वाली है। जितनी भी साड़ीज है, सारी आपको मीसो में मिल जाएगी। सबके कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अपने फेवरेट साड़ीज को बाय कर सकते हो। एंड मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई ना कोई साड़ी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब तो मैं आप लोगों के लिए जो साड़ीज लाई हूँ बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो और बाय कर सकते हो। अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये है मेरा यूजर नेम, आप इस पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो एंड मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आप मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए अपडेटेड रहो। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपडेट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, फटाफट आप मेरे वो वाले वीडियो वॉच कर लो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन आवर हॉल। गाइस, मैं सारी हॉल बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अपनी आज के हॉल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारी फर्स्ट साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट कलर है, क्रीम कलर की साड़ी है। जैसे कैटलॉग में शो किया सेम वैसी ही आपको साड़ी मिलेगी। मतलब इतनी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये वाली साड़ी है, बिल्कुल कम रेंज में है बट तब भी ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगी मुझे। साड़ी आपको कॉटन मटेरियल में मिल जाएगी, आप एक बार वॉश करोगे तो ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ही प्यारी है। मतलब पूरे में आपको ऐसी फ्लोरल प्रिंट मिल, पूरी साड़ी में आपको ऐसी फ्लोरल प्रिंट मिलेगा एंड आपको एंड में कुछ ऐसे बॉर्डर्स मिलेंगे। तो चलिए इस साड़ी को ओपन करके आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए गैस, ये है साड़ी का ब्लाउज पार्ट, जैसे कि आप देख सकते हो आपको ये 80-90 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज पार्ट मिल जाएगा एंड पूरे में आपको ऐसे पूरे लीफ वाली प्रिंट मिलेगी। एंड अगर आप इसकी मटेरियल की बात करो तो ये आपको चंदेरी मटेरियल में ब्लाउज पार्ट मिल जाएगा एंड ये आपको साड़ी के एंड में मिलने वाला है। एंड ब्लाउज की स्टिचिंग जब आप करवाओगे उसके बॉर्डर्स के लिए आपको ये मिल रहा है। आप चाहो तो आप ये वाला जो बॉर्डर्स है आप ब्लाउज की स्लीव्स में, अदरवाइज बैक पार्ट पर स्टिचिंग करवाओगे तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। एंड अगर आप साड़ी की बात करो, ये देखिए गाइस, ये है हमारी साड़ी एंड साड़ी के ऊपर वाले पार्ट में आपको ऐसा बॉर्डर मिल रहा है एंड पूरी साड़ी में आपको ऐसे ही फ्लोरल प्रिंट मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड अगर आप मटेरियल की बात करो तो ये साड़ी आपको कॉटन या लिनन मटेरियल में मिल जाएगी एंड एंड में आपको ऐसे बॉर्डर्स मिलेंगे और पूरी साड़ी में आपको ऐसे ही वाला प्रिंट मिलने वाला है। तो आप सोचा फ्लोरल प्रिंट तो बहुत ही ज्यादा प्यारा वाला लुक आएगा एंड अगर गर्ल्स चाहें तो वो भी ये साड़ी वेयर कर सकती हैं, बिकॉज एक तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल में है एंड अगर आप चाहो तो आप भी वेडिंग में या फेयरवेल किसी भी ओकेजन में से वेयर कर सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा ये कंफर्टेबल रहेगी। इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मैंने खुद ट्राई ऑन करा है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। और पूरी साड़ी एक तो बहुत ही अच्छे वाले फ्लोरल प्रिंट में है एंड नीचे जब आप प्लेट्स बनाओगे प्लेट्स में भी बहुत ही प्यारा वाला लुक आ रहा है। साड़ी में मैंने ट्राई ऑन करके शो किया, उससे आपको आइडिया लग जाएगा इसका लुक कैसा है। एंड ये है साड़ी का पल्लू वर्क, ये आपको कंट्रास्ट ब्लू कलर में मिलने वाला है जिस कलर में आपको बॉर्डर्स मिल रहे हैं। एंड साड़ी के ऊपर वाले पार्ट में एंड नीचे वाले पार्ट में दोनों साइड आपको ऐसे हैवी वाले बॉर्डर्स मिल रहे हैं एंड पूरी साड़ी में ऐसा वाला प्रिंट आपको मिलने वाला है। पूरी प्रिंटेड साड़ी है और जो इस पर प्रिंट किया है पूरा फ्लोरल प्रिंट है, तो बहुत ही अच्छा वाला लुक आएगा। एंड अगर आप चाहो तो आप इसे ऑफिस और वर्क प्लेस पर भी वेयर कर सकते हो। वैसे ये पार्टी वेयर साड़ी लग रही थी मुझे, जिस तरह से कैटलॉग में मॉडल ने वेयर किया था तो उसका लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा था, तो मुझे ये वाली साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। ये हो गई हमारी फर्स्ट साड़ी एंड मैंने ऐसे सारे ऐसे मटेरियल रखे हैं जो आप वेडिंग में ईजिली वेयर कर सकते हो। सो फर्स्ट हो गया ये कॉटन या लिनन मटेरियल का, चलिए आपको सेकेंड साड़ी शो कर देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमारी सेकेंड साड़ी, मैंने ना लाइट पिंक कलर किया था इस वाली साड़ी का, बिकॉज मैं बार बार ऐसे स्वाइप अप करके देख रही थी तो ये वाली साड़ी मीशो पे ऐसे शो कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे ये वाली भी साड़ी ट्राई ऑन करनी चाहिए। एंड अगर आप इस साड़ी के मटेरियल की बात करो तो ये नेट मटेरियल में है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सारे डिफरेंट मटेरियल्स में मैंने साड़ियाँ करी हैं। तो चलिए साड़ी को ओपन करके आपको शो कर देती हूँ।
ये देखिए गाइस, ये है साड़ी का ब्लाउज एंड ये भी आपको सेम 18 सेंटीमीटर्स का मिलेगा। एंड पूरी साड़ी, पूरा जो ये ब्लाउज मटेरियल है ये आपको नेट में मिलने वाला है। एंड इस पर आपको लाइनिंग लगवा के स्टिचिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज का मटेरियल काफी ज्यादा लाइट, बहुत ही ज्यादा लाइट है। एंड पूरा ब्लाउज मटेरियल ऐसी प्लेन प्लेन सा है, कुछ अलग सा इस पर नहीं दिया है। आई थिंक कुछ कंट्रास्ट में देना चाहिए था, या अगर आप चाहो तो आप स्टिच्ड कोई और मटेरियल में ब्लाउज वेयर करोगे तो इसका लुक काफी अच्छा आएगा। और अगर आप साड़ी की बात करो तो ये साड़ी यहीं से स्टार्ट है, जहाँ से ब्लाउज दिया हुआ है स्टिच करके, यहीं से आपको ये ऐसी साड़ी मिलने वाली है। एंड पूरी साड़ी आपको कुछ ऐसी मिलेगी नेट मटेरियल में, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब नेट मटेरियल भी ऐसा है कि आप समर्स में इजिली वेयर कर सकते हो, उतनी गर्मी नहीं लगती, हाँ मतलब ठीक ठाक रहता है। एंड वेडिंग में तो ये सब मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये है हमारी साड़ी एंड जैसे कि आप देख सकते हो, साड़ी के नीचे जो हमारा प्लेट्स रहता है उस पर आपका ऐसा मोती वर्क मिलेगा। एंड ये पूरा मशीन वर्क है, इस पर जो मोती लगी हुई है ये पूरे आपके प्लेट्स में आएगा, तो काफ़ी अच्छा वाला लुक आएगा। मैंने साइड में ट्राई करके शो कर दिया है, तो आपको उससे इसका लुक पता चल जाएगा। एंड ये स्टार्ट होता है हमारा पल्लू वर्क, यहाँ से है ये देखिए, यहाँ अलग से ऐसी पाइपिंग है, इससे पता चल रहा है ये हमारा पल्लू वर्क है। पूरे ये जो पल्लू वर्क है ना, पूरे में इसमें आपको ऐसा मोती वर्क मिलने वाला है। एंड मटेरियल इसका भी पूरा ऐसा नेट वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ आप इसे गर्मी में प्रेफर नहीं कर सकते, आप वेयर कर सकते हो। एंड इसका पल्लू जब ऐसे आप ऐसे ओपन पल्लू पे वेयर करोगे तो आप सोचो इसका लुक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। एंड मुझे तो ये अच्छी लग रही थी साड़ी, मतलब अगर ये लाइट पिंक कलर की होती जो मैंने ऑर्डर की थी तो इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर आता, मतलब ये काफ़ी डार्क डार्क कलर दे दिया है। तो ये तो मैं रिटर्न करके अपना फेवरेट पिंक कलर ही मंगाने वाली हूँ। तो मुझे लगा कि जो मुझे रिसीव हो गई है मुझे आप लोगों को शो कर देना चाहिए। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, ये हो गई हमारी सेकेंड साड़ी की, चलिए आपको थर्ड साड़ी शो कर देती हूँ। इसका भी कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए गाइस, ये है हमारी थर्ड साड़ी एंड ये पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब प्राइस अगर आप देखो ना, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये साड़ी समझ लीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल गई है। चलिए आपको ओपन करके शो कर देती हूँ। कैटलॉग में जैसे मॉडल ने वेयर किया ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है, बिल्कुल पार्टी वेयर स्टाइल में। आप उस तरह से चाहो तो स्टाइल अप कर सकते हो। तो पहले आपको इसका ब्लाउज शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज एंड आई थिंक ये इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये मतलब आपको 1 मीटर से ज़्यादा इसका ब्लाउज पार्ट आपको मिलने वाला है। एंड अगर आप चाहो तो आप इसे स्टिच करवा सकते हो। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, पूरा साटिन मटेरियल में आपको इसका ब्लाउज पीस मिलने वाला है। एंड अगर आप चाहो तो आप रेडीमेड ब्लाउज भी स्टाइल अप कर सकते हो, इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। एंड अभी तो ब्लाउज स्टिच हुआ नहीं है, तो मैंने क्रॉप टॉप पे आप लोगों को वेयर करके शो कर दिया है साड़ी। क्या ये हमारी साड़ी, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी पिंक कलर में है एंड पूरी पार्टी वेयर साड़ी है ये। एंड अगर आप मटेरियल की बात करो तो ये बिल्कुल ऐसे क्रंच मटेरियल में है, जैसे कि आप देख सकते हो। आजकल इस मटेरियल में साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, मतलब हर किसी साइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, किसी पर भी आप चेकआउट करोगे तो जो पार्टी वेयर साड़ीज है ना, वो आपको ऐसी क्रंच मटेरियल में मिलेगी। और पूरी साड़ी ऐसी प्लेन आपको मिलने वाली है, लेकिन पूरी साड़ी में आपको ये ऐसा क्रंच मिलने वाला है, ये देखिए। तो जब आप इसे स्टाइल अप करके वेयर करोगे एंड उस बेल्ट के साथ स्टाइल करोगे तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड मुझे पता है ये वेयर करने में थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, बट जब आप वेयर कर लेते हो ऐसे ओपन पल्लू पे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ये साड़ी मुझे तब भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल गई है, ये देखिए। एंड इसका जो पल्लू है वो भी सेम आपको ऐसे ही मिलने वाला है, लेकिन मैं आपको अगर ऐसे ओपन पल्लू पर शो करूँ तो आप देखिए इसका कितना रॉयल वाला लुक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आएगा इसे कोई भी ऐसे ओमेन पल्लू पर तैयार करेगा तो। एंड इस पर आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहो तो आप कोई और कलर भी चेकआउट कर सकते हो। मुझे तो ये बेबी पिंक कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अगर चाहो तो आप काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज के साथ भी इस साड़ी को वेयर कर सकते हो, इसका लुक तब भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हो गई हमारी साड़ी, तो बिल्कुल पार्टी वेयर स्टाइल में ये साड़ी आपको मिल जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर है एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसका मटेरियल आपको ऐसे क्रंच में एंड थोड़ा सिल्क
टाइप आपको ऐसा मटेरियल मिल जाएगा। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स लग रही, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी एंड एग्जैक्टली मुझे इसका मटेरियल मतलब क्रंच वाला ही लग रहा है, और क्रंच में वैसा सिल्क टाइप मटेरियल है तो अच्छी लग रही थी। मतलब अगर आप वेडिंग वगैरह में ऐसी साड़ी वेयर करते हो तो सबकी नज़र बिल्कुल आप पे ही जाती है कि हाँ वाओ क्या साड़ी वेयर करके रखी है। अगर आप चाहो तो आप फेयरवेल में या वर्क प्लेस पे किसी भी जगह साड़ी को वेयर कर सकते हो। ये हो गई हमारी थर्ड साड़ी, चलिए आपको फोर्थ साड़ी शो कर देती हूँ। एंड फोर्थ साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिकॉज आपको पता है जो मैं लास्ट में आपको साड़ी शो कर देती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये देखिए गाइस, ये हमारी फोर्थ साड़ी एंड इसका आपको कलर से इसे दिख रहा है, ये ब्लैक कलर में साड़ी है। पूरी साड़ी में आपको बहुत ही हैवी वाली एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, चलिए आपको ओपन करके शो कर देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये साड़ी का ये ब्लैक कलर का ब्लाउज पीस है, तो अगर आप चाहो तो आप इसे स्टिच करवा सकते हो, अदरवाइज आप मेरी तरह क्रॉप टॉप पे या किसी और ब्लाउज पे भी वेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप इसे रेड पे भी वेयर कर सकते हो, किसी कंट्रास्ट और कलर के साथ भी, मतलब ब्लैक तो किसी पे भी चल जाता है। तो अगर आप इसका मटेरियल देखो जो इसमें मिला हुआ है ये ब्लाउज का, ये आपको चंदेरी मटेरियल में मिला है। एंड अगर आप लेंथ देखो तो आपको इसकी लेंथ 1 मीटर तक की कुछ मिल रही है, या आप समझ लो कि 90 सेंटीमीटर तक आपको इसका ब्लाउज पीस मिल रहा है चंदेरी मटेरियल में। एंड आपको उसे स्टिच करवाते टाइम लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही स्टाइलिश वाला भी आप ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा वाला लुक आएगा इस। और चाहो तो आप स्ट्राइप्स वाला भी स्टिचिंग करवा सकते हो, आजकल वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ये देखिए गाइस, ये हमारी साड़ी मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लाइट मटेरियल में आपको साड़ी मिलेगी, मतलब कि बात करो तो ये आपको नेट मटेरियल में मिलेगी। एंड जैसे कैटलॉग में शो किया है ना मॉडल ने, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, एक बार में बिल्कुल ऐसे नजर चली जाएगी कि हाँ यही वाली साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसे बाय कर लेते हैं। तो ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड अगर आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देखो, आपको काफ़ी हैवी सी बिल्कुल ऐसे थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, एंड उस पर आपको ऐसे कुंदन वर्क मिलने वाला है। एंड आपको उसको हैंड वॉश करना पड़ेगा, आप ऐसे वॉशिंग मशीन में नहीं कर सकते, या अगर आप चाहो तो ड्राई क्लीन में से वॉश करना, नहीं तो उसका पूरा कुंदन ऐसा निकल ही जाएगा। मुझे पता है इसका कुंदन तो वैसे गिरा नहीं है, मैंने अच्छे से वेयर किया उसके बाद फिर ऐसे रख भी दिया था, तब भी इसका कुंदन ऐसे बाहर नहीं आ रहा है। गैस आप इसे ड्राई क्लीन ही करवाना, जिससे इसका कुंदन वर्क जो लगा हुआ है इसमें बिल्कुल भी बाहर ना आए। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरे प्लेट्स पे आने वाली एम्ब्रॉयडरी, आप सोच सकते हो इसका लुक कितना हैवी आएगा, इसलिए मैंने इस साड़ी को लास्ट में रखा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड ये स्टार्ट होता है हमारा पल्लू वर्क, जैसे कि आप देख सकते हो आपको पूरे पल्लू में ऐसी काफ़ी हैवी सी एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, प्लस इस पर आपको ऐसा कुंदन वर्क भी मिलेगा, तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। आप इसे ओपन पल्लू पे वेयर कर सकते हो, स्टाइल अप कर सकते हो, इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे कि मैं आपको इसे शो कर देती हूँ, पूरे पल्लू में बहुत ही हैवी वर्क है, मैंने इसे क्रॉप टॉप पे स्टाइल किया है एंड आपको शो किया है साइड में ट्राई ऑन करके, तो इसका लुक कितना अच्छा आने वाला है तो आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल पार्टी वेयर, काफ़ी हैवी वाला लुक आ रहा है, लग रहा है कि बहुत आप लोगों ने महंगी वाली साड़ी वेयर करके रखी है। बट प्राइस के अकॉर्डिंग ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी, तो अगर आपको इस साड़ी को बाय करना है तो यस आप इस साड़ी को बाय कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा वाला लुक आएगा। सो गाइज, ये हो गई हमारी लास्ट साड़ी है, जिसका मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये आपको नेट मटेरियल में मिल जाएगी। एंड गाइज अभी आगे और भी साड़ी हॉल आने वाली है, अभी फ्लिपकार्ट की साड़ी हॉल आने वाली है, बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ीज़ हैं, बिल्कुल पार्टी वेयर हैवी वाली साड़ीज हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आप मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए अपडेटेड रहो एंड कोई भी साड़ी हॉल मिस ना करो, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को साड़ी हॉल बहुत ही पसंद आती है मेरे चैनल पे। एंड मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड सबके जो कोड है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन कर दिए, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।